यू नो समर से स्टार्ट होने वाले हैं और बजट गेमर की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है सीपीयू हीटिंग इशू। आप में से जो लोग मेरे ग्रुप पर ज्वाइन होंगे और काफ़ी लोग मेरे से ये सजेशन पूछते हैं कि भैया बजट सेगमेंट में रहते हुए एक सीपीयू कूलर कौन सा बेस्ट रहेगा जिसमें कि हमें परफॉर्मेंस भी यानी कि कूलिंग अच्छी मिले और थोड़ा बहुत उसमें ओवरक्लॉकिंग भी कर लिया जाए। तो ज़्यादातर लोग को मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग कूलर मास्टर का हाइपर 410 RGB मॉडल एक सीपीयू कूलर आप खरीदें। अब उस सीपीयू कूलर को लेने के पीछे एक रीज़न होता है क्योंकि वो कूलर मैं मानता हूँ आज की डेट पे आपको काफ़ी अच्छी वैल्यू ऑफर करता है। अब यहाँ पर हमारे ग्रुप में काफ़ी सारे लोग इंटरेस्टेड थे और ये लोग जानना चाहते थे कि ये कूलर जो है राइजन 5 के साथ कैसा परफॉर्मेंस देता है और अगर आप इस कूलर को लेते हैं तो आपका एक्सपीरियंस कैसा होगा। तो इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने यहाँ पर एक यूनिट लिया है ताकि आप लोग को इसके बारे में बताया जा सके डिटेल में। वेल तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कूलर मास्टर के हाइपर 410R CPU कूलर के बारे में जिसको कि आप मार्केट में आराम से 1600-1700 रुपए के आसपास खरीद सकते हो। वेल तो अगर आप भी एक बजट सेगमेंट के CPU कूलर में इंटरेस्टेड हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेरा नाम है अब्दुल राशिद और आप देख रहे हैं द इंडियन बजट गेमर। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट दिस वीडियो स्पॉन्सर्ड बाई windowkey.in। अगर आप यहाँ पर चीप में विंडो 10 का लाइसेंस खरीदना चाहते हैं तो आप windowkey.in को चेक कर सकते हैं। यहाँ पर आपको OEM की 750 रुपये में और रिटेल की 1350 रुपये में देखने को मिल जाती है। वही अगर आप हमारा कूपन कोड यूज़ करते हैं TIBG350 तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस वेबसाइट का लिंक और कूपन कोड दिया हुआ, आप में से जो लोग इंटरेस्टेड है जाकर चेक कर सकते हैं। नाउ यहाँ पर बात कर लेते हैं CPU कूलर के बारे में। ये कूलर जो है ये वन ऑफ द बेस्ट बजट CPU कूलर है अगर आप Amazon के हिसाब से देखें और Amazon पर यहाँ पर इस कूलर को काफ़ी सारे लोगों ने खरीदा है। और पर्सनली मैं मानता हूँ ये कूलर उन लोगों के लिए परफेक्ट ऑप्शन रहेगा जो लोग बजट सेगमेंट का CPU यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि i3 या Ryzen 3। इवन अगर आप Ryzen 5 या i5 जैसा CPU भी यूज़ कर रहे हो तो भी आपके लिए ये कूलर जो है सफिशियंट ऑप्शन रहेगा। अनबॉक्सिंग वाइज अगर मैं आपको बताऊँ तो बॉक्स में यहाँ पर आपको काफ़ी सारे माउंट देखने को मिल जाते हैं और आपको आपका कूलर भी देखने को मिल जाता है। एक अच्छी चीज़ मुझे यहाँ पर ये लगी है कि यहाँ पर आपको बॉक्स में RGB कंट्रोलर भी देखने को मिल जाता है। तो इनकेस अगर आपका मदरबोर्ड RGB हेडर के साथ नहीं आता है तो आप उसको भी यूज़ कर सकते हो और RGB का मज़ा उठा सकते हो। कूलर को जब आप फर्स्ट टाइम यहाँ पर बॉक्स से निकालते हो तो आप एक चीज़ ये नोटिस करते हो कि कूलर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट होने के साथ साथ भी यहाँ पर आपको जो मेटल का यूज़ देखने को मिलता है वो काफ़ी ज़्यादा है, मतलब कि थोड़ा सा ये कूलर हैवी भी है। यहाँ पर आपको 4 पाइप्स देखने को मिल जाते हैं और जो यहाँ पर मैं आपको सरफेस देखने को मिलती है वो काफ़ी स्मूथ है। स्मूथ सरफेस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो कांटेक्ट होता है आपके CPU कूलर और प्रोसेसर के बीच वो काफ़ी अच्छे से रहता है। अब यहाँ पर अगर मैं आपको RGB का सीन बताऊँ तो अगर आपके मदरबोर्ड में RGB हेडर है तो आप उसको काफ़ी अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, पूरा कंट्रोल आपको सॉफ्टवेयर के थ्रू देखने को मिलता है। वही अगर आपके मदरबोर्ड में RGB हेडर नहीं है तो यहाँ पर आप कंट्रोलर का यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर आपको काफ़ी सारे इफेक्ट, काफ़ी सारे कलर और आपको जो है कलर की इंटेंसिटी कंट्रोल करने का भी ऑप्शन देखने को मिल जाता है। बट एट दी एंड एक बंदा कूलर केवल इसीलिए लेता है ताकि उसका जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा कूल रह सके। अब ये कूलर आपको कैसा परफॉर्मेंस देता है इस चीज़ को टेस्ट करने के लिए मैंने इसे साइड बाय साइड कंपेयर किया है AMD के बॉक्स कूलर से। टेस्टिंग के लिए मैंने यहाँ पर लिया है GigaWide का मदरबोर्ड B450M। पहले हमने टेस्ट किया है स्टॉक कूलर, आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें आइडल देखने को मिलता है वो लगभग 34 डिग्री के आसपास देखने को मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा है। और वही जब बात आती है लोड की तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो हमें लोड पर मैक्सिमम टेम्परेचर देखने को मिला है वो है 60 डिग्री सेल्सियस, जो कि कोई बुरा टेम्परेचर नहीं है। आप देख सकते हो 100% लोड पे आपको ये टेम्परेचर देखने को मिल रहा है जो कि स्टिल काफ़ी स्टेबल है। अब यहाँ पर हमने अपने कूलर को इंस्टॉल किया और कूलर को इंस्टॉल करना काफ़ी इजी है। बॉक्स के अंदर आपको मैनुअल मिल जाता है, आप उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हो। मैं मानता हूँ आपको कोई खास प्रॉब्लम नहीं होने वाली। एक बार जब यहाँ पर कूलर इंस्टॉल हो जाता है तो यहाँ पर जो आपको आइडल टेम्परेचर देखने को मिलता है वो मिलता है 30 डिग्री सेल्सियस, जो कि 3 डिग्री कम है स्टॉक कूलर से। बहुत बड़ा डिफरेंस तो नहीं है बट स्टिल अच्छा है। वही जब बात आती है लोड की तो यहाँ पर मैंने IDA64 को चलाया है लगभग 15 मिनट 100% लोड पे और जो यहाँ पर हमें मैक्सिमम टेम्परेचर मिला है वो मिला है 47 डिग्री सेल्सियस, जो कि मैं मानता हूँ ये बहुत कम है। और अगर आप इसे साइड बाय साइड कंपेयर करते हो स्टॉक कूलर से ना
तो यहाँ पर आपको लगभग 13 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस देखने को मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा है। हालांकि यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये टेस्टिंग मैंने ओपन बेंच पर करी है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि हमारा कैबिनेट जो है वो थोड़ा सा एयर फ्लो में बॉटलनेक क्रिएट करे। और अगर आप यहाँ पर थोड़ा बहुत ओवरक्लॉकिंग भी करना चाहते हो तो आप कूलर मास्टर के हाइपर 410R का यूज़ करके थोड़ी बहुत ओवरक्लॉकिंग भी कर सकते हो। आपको यहाँ पर जो फाइनल टेम्परेचर्स मिलेंगे वो काफ़ी स्टेबल होंगे। तो यार, आप में से जो लोग इस कूलर को लेने में इंटरेस्टेड है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका बेस्ट बाय लिंक दिया हुआ है, जहाँ पर जाकर आप इस कूलर को परचेस कर सकते हो। वही अगर आप हमारा ग्रुप ज्वाइन करके इस कूलर को परचेस करते हो तो वहाँ पर आपको एडिशनल डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो यार, अब यहाँ पर अगर आप थोड़ा सा मनी सेव करना चाहते हो तो आप हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। वेल, तो दोस्तों, ये था मेरा रिव्यू कूलर मास्टर हाइपर 410 RGB कूलर का। आई होप आपके लिए ये रिव्यू हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को बस जल्दी से लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को, क्योंकि हम लोग लाते रहते हैं ऐसे डेली ऑसम कंटेंट। तो अंत तक देखने के लिए थैंक यू।